नमस्कार साथियों, आज का अपना विषय है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले साथियों अपन ने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट देखा था कि किस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या विधियां होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या विशेषताएं होती है, क्या एडवांटेज होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो एनिमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। मनुष्य के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। कुछ प्राणियों के अंदर दोनों सिस्टम एक ही प्राणी में होते हैं, ऐसे प्राणी को क्या कहेंगे, हर्मेफ्रोडाइटिक एनिमल या बाइसेक्सुअल एनिमल या मोनोशियस एनिमल, द्विलिंगी प्राणी कहते हैं, जैसे अर्थवर्म या केंचुआ है। अभी आज शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव, इस पर बड़ा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद सुटेबल डायग्राम, या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं पर्टिकुलर प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य है, या नर के अंदर सीमन में सेमिनल वेसिकल का क्या कार्य है। तो इस प्रकार से आज इन टॉपिक्स को देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है साथियों, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस वास डिफरेंशिया, ए पेयर ऑफ एपिडाइमिस वास डिफरेंशिया, ए पेयर ऑफ एजेकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, पेनिस और एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये सारे इंग्लिश में नाम है, आपको नोट्स जो है वो हिंदी में भी दिए जाएंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। एक जोड़ी वृषण होते हैं, वास डिफरेंशिया होती है, अधिवृषण होता है और शुक्रवाहिनी होती है, इजेकुलेटरी डक्ट होती है, यूरिथ्रा, पेनिस और एक्सेसरी ग्लैंड होती है, जैसे सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस या वृषण जो होते हैं मनुष्य के प्राथमिक जनन अंग होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक जोड़ी होते हैं नर के अंदर, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लटके हुए रहते हैं, वृषण कोष के अंदर स्क्रोटम में। वृषण जो है चारों ओर से कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजीनिया, एल्बुजीनिया के द्वारा कवर होते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर 250 लोब्यूल्स होती है और हर लोब्यूल के अंदर एक से लेकर चार तक सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है। इस प्रकार एक वृषण में करीब 1000 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है। ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होती है ये वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। यानी वृषण के क्या काम है, वृषण के दो मुख्य काम है, एक तो शुक्राणुओं का निर्माण और एक नर जनन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करना। तो नर के जो शुक्राणुओं का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की कोशिकाएं करती है। ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल मिलकर रीटेड टेस्टिस या वृषण जाल बनाती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर सर्टोली कोशिकाएं होती है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। उसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच बीच में कुछ अंतराली कोशिकाएं होती है जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल कहते हैं। इन कोशिकाओं का काम क्या होता है, ये कोशिकाएं नर जनन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करती है। तो टेस्टोस्टेरोन का स्रवण लेडिक की सेल करती है, शुक्राणुओं का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूबुल की कोशिकाएं करती है, जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाएं। तो इस प्रकार के सारे टेक्निकल वर्ड क्लियर हो गए कि दो वृषण पाए जाते हैं, वृषण कोष में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। क्यों होते हैं बाहर, क्योंकि टेम्परेचर कम रखने के लिए, क्योंकि शरीर के अंदर अगर ये वृषण रह जाए और बाहर नहीं होंगे तो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा, उस वजह से शुक्र जनन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जिन व्यक्तियों में वृषण एब्डोमिन के अंदर रहते हैं उसे क्रिप्टोर्किज्म कहते हैं। इसकी कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजीनिया कहलाएगी। सेमिनिफेरस ट्यूबुल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, ये सारी मिलकर एक रीटेड टेस्टिस बनाती है। अंतराली कोशिकाओं का काम होता है टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करना। ये वृषण के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, ये सारे मिलकर एक कॉमन बनाएगी रीटेड टेस्टिस या वृषण जाल। ये वास डिफरेंशिया मिलेगी, वास डिफरेंशिया मिलकर एक अधिवृषण या एपिडाइमिस में खुलेगी। ये पूरा एपिडाइमिस है जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये मेन बॉडी है यह, और ये इसका टेल पार्ट है। ये आगे चलकर वास डिफरेंशिया के अंदर खुलती है और ये इजेकुलेटरी डक्ट में जाएगी। ये सारी और ट्यूनिका एल्बुजीनिया इसका कवर है। स्क्रोटम, स्क्रोटम पता है वृषण कोष होता है जिसमें वृषण स्थित होते हैं। स्क्रोटम इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका काम होता है वृषण को कूल रखना। दो मसल्स के नाम यहाँ पर याद रखने हैं,
एक तो होती है डार्टोस मसल, जो स्मूथ मसल्स होती है, इनका काम होता है वृषण को संकुचित रखना, और जो वृषण के तो या स्क्रोटम का जो रिंकल्ड अपीयरेंस होता है, सल पड़े हुए रहते हैं, रिंकल अपीयरेंस जो होता है वो डार्टोस मसल की वजह से होता है। जब ये मसल रिलैक्स होती है तो स्क्रोटम स्मूथ हो जाता है। उसके अलावा क्रीमेस्टर मसल्स होती है, इन मसल्स का काम होता है स्क्रोटम और वृषण की पोजिशन को बनाए रखना। जब सर्दी होती है या सेक्सुअल अराउजल होता है तो टेस्टिस जो होते हैं या जो होते स्क्रोटम होते हैं वो शरीर बॉडी के पास चिपक जाते हैं, क्योंकि इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वृषण बॉडी के पास रहेंगे, जब इन मसल्स में रिलैक्सेशन होगा तो टेस्टिस जो है लूज हो जाएंगे। तो ये काम है क्रीमेस्टर मसल का। तो दो मसल्स के नाम याद हो गए, डार्टोस मसल्स और क्रीमेस्टर मसल जो स्क्रोटम में होती है। एपिडर्मिस या अधिवृषण होता है, एक लंबी ट्यूब होती है जो आगे चलकर जो टेस्टिस से रिटे टेस्टिस के बाद एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनका मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि वृषण से जो शुक्राणु निकलते हैं वो इमेच्योर होते हैं और उनसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, यहाँ पर मैच्योरेशन प्रोसेस होता है। मैच्योर स्पर्म आर स्टोर्ड इन द लोअर पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस या टेल पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। उसके बाद आता है डक्ट सिस्टम। जब वृषण से शुक्राणु निकलते हैं तो वो निकलकर एपिडर्मिस में जाते हैं, उसके बाद वास डिफरेंस में, एजेकुलेटरी में और यूरेथ्रा में, ये रहता है इसका सीक्वेंस रहता है। डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस जो है शुक्रवाहिनी कहलाती है। ये मस्कुलर ट्यूब होती है जो एपिडर्मिस से आगे निकलती है, ये एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी के अंदर होती है, इंग्विनल कैनाल के पास। इसका आगे का पार्ट थोड़ा फुला हुआ होता है, ये इसके यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड आकर मिलती है। डक्टस डिफरेंस का आगे का पार्ट फुला होता है, सैम्पुला कहते हैं, यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन आकर डक्ट आकर मिलती है। स्पर्म आर स्टोर्ड इन प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंस नियर द एपिडर्मिस। इजेकुलेटरी डक्ट जो आगे एम्पुला पार्ट होता है, ये यहीं पर सेमिनल वेसिकल्स की दोनों डक्ट भी यहीं आकर खुलती है और ये आगे चलकर है इजेकुलेटरी डक्ट में खुलती है। इजेकुलेटरी डक्ट इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मिलकर ये बार यूरेथ्रा में खुलता है, अभी डायग्राम में देखेंगे। तो इस प्रकार इजेकुलेटरी डक्ट होती है जिसके अंदर शुक्राणु और यूरिन दोनों आते हैं। यूरेथ्रा जो होता है यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलेगा, बाहर छिद्र के द्वारा जो पेनिस के द्वारा बाहर निकलता है, इसके द्वारा स्पर्म बाहर निकलते हैं, फॉर फ्लूड और यूरिन दोनों चीजें इससे बाहर निकलेगी, अभी बताया था। इट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और पिनाइल यूरिथ्रा जो पेनिस के अंदर होता है। अब एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड मेन नर की मुख्य सहायक ग्रंथि है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। इन ग्रंथियों का सिक्रेशन सीमन के साथ शुक्राणुओं के साथ मिलता है और सीमन कहलाता है। सेमिनल वेसिकल जो होता है ये वास डिफरेंस के यहाँ पर जो एम्पुला पार्ट होता है वहीं पर ये जुड़ती है। इसके सिक्रेशन में क्या क्या होता है ये आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखना चाहिए। शुक्राशय जो होता है उसके सिक्रेशन में एक तो फ्रक्टोज होता है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो लिपिड होता है संकुचन प्रदान करेगा और कुछ प्रोटीन्स होती है। तो फ्रक्टोज, शुगर और प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है, वालनट शेप होती है जो यूरिथ्रा के पास होती है। कुछ मनुष्य जैसे जैसे ओल्डर एज होती है ये इसका आकार बढ़ जाता है, अगर बढ़ जाएगा तो प्रोस्टेट जिसको समस्या कहते हैं और इसको ऑपरेशन के द्वारा रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो पाता है। सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्रंथि का जो सिक्रेशन होता है इसमें क्या क्या होता है, ये मिल्की कलर अपीयरेंस प्रदान करता है सीमन को। जो मिल्की कलर जो अपीयरेंस होता है वो किस ग्रंथि के कारण होता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण होता है, एल्कलाइन सिक्रेशन होता है इसका। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड जो होती है ये पेनिस के बेस के यहाँ पर स्थित होती है, पी शेप होती है और इनका जो सिक्रेशन होता है ये एक प्रकार का म्यूकस टाइप सिक्रेशन होता है जो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। सीमन, जो सीमन होता है साथियों, सीमन के अंदर
स्पर्म्स होते हैं, उसके अलावा इसमें एल्कलाइन मिक्सर होता है, तीनों ग्रंथियों का सिक्रेशन होता है। करीब इसके अंदर 70% पार्ट 60-70% पार्ट सेमिनल वेसिकल का होता है। उसके अलावा इसके अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि का पार्ट होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का पार्ट होता है और स्पर्म होते हैं। ये 30% होते हैं, ये 60-70% होता है। पेनिस या जो सीसन होता है वो सिलेंड्रिकल कोपुलेटरी ऑर्गन है जो कोपुलेशन में काम आता है। ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। ये मस्कुलर या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ये कड़क होता है। इसके अंदर तीन कोलमन होते हैं, जिसमें दो डोर्सल कोलमन होते हैं जिसे कॉर्पोरा कार्निवोसा कहते हैं, और एक मीडियन होता है जिसे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। जो इसका आगे का पार्ट होगा ग्लांस कहलाता है, उस ग्लांस में केवल कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम ही होगा, कॉर्पोरा कार्निवोसा साइड में होते हैं, ग्लांस पार्ट में केवल कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है। आगे का पार्ट इसका ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो टिप होता है, और वो एक स्किन के द्वारा कवर्ड होता है जिसे प्रीपुस कहते हैं, जो कुछ कम्युनिटी के अंदर स्किन को काट कर हटा दिया जाता है ना, जिसे खतना कहते हैं। ये आपको एग्जाम में ये वाला डायग्राम अच्छी तरह से याद रखना है, एग्जाम में बनाना है। ये पेनिस है, ये इसका ग्लांस पार्ट कहलाता है, यहाँ खाली कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, ये जो डार्क कलर का दिख रहा है ये साइड में कॉर्पोरा कार्निवोसा है। टेस्टिस दोनों यहाँ से निकलेगी, वास्ट डिफरेंस, ये आगे चलकर ये एम्पुला पार्ट है, ये इसकी सेमिनल वेसिकल दोनों आ गई, ये यहाँ पर खुलेगी। ये बड़ी जो वॉलनट शेप है प्रोस्टेट ग्लैंड है, यह बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है दोनों, ये भी आकर ये पूरा यूरिथ्रा कहलाता है जो बाहर निकलता है। तो ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये जब भी क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इन पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है, इस प्रकार आपको समझना है। धन्यवाद।